दोस्तों, जब भी भारतीय इतिहास के पन्ने खोले जाते हैं तो उसमें बहुत से राजा और रानियों की कहानियां सुनने को मिलती हैं। कुछ शासक ऐसे हुए हैं जो बहुत महान थे, वहीं हमें कुछ ऐसे शासक भी देखने को मिल जाते हैं जो कि अय्याश थे। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के कुछ ऐसे ही अय्याश राजा रानियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी करतूत सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं पटियाला के राजा भूपेंद्र सिंह के बारे में। जब भी भारतीय इतिहास में अय्याश शासकों का जिक्र किया जाता है, इनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये अपना ज्यादातर समय सुंदर लड़कियों के बीच बिताते थे। सुंदर लड़कियां और काम वासना इनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इन्होंने 38 सालों तक पटियाला पे राज किया। इन्होंने 5 शादियां भी की थी, जबकि ऐसा माना जाता है कि इनके पास 350 से भी ज्यादा रखेल थी। कुल मिला के इनके 88 बच्चे थे। ये अपने रखेलों को अपने पसंद के हिसाब से तैयार करवाते थे। इन सभी बातों का खुलासा दीवान चरमनी दास की किताब महाराजा में किया गया है, जिसमें इन्होंने राजा महाराजाओं के बारे में खुल के बात की है। इसमें यह भी बताया गया है कि राजा भूपेंद्र सिंह नग्न पार्टियों के बहुत शौकीन थे। गर्मी में ये स्विमिंग पूल में नंगी महिलाओं के साथ नहाते थे और ये जम के पार्टियां किया करते थे। दोस्तों, आपको बता दें कि महाराजा भूपेंद्र सिंह बहुत अमीर थे, क्योंकि आजादी के बाद हमारे पहले राष्ट्रपति जिस रथ पे बैठ के राष्ट्रपति भवन गए थे वो इन्हीं का था। अब हम आपको बताते हैं मुगल बादशाह शाहजहां के अय्याशी के बारे में। पूरी दुनिया शाहजहां के द्वारा बनाए गए ताजमहल को जानती है, क्योंकि ये इमारत नायाब है। साथ ही साथ ये इमारत पहचान है एक सच्चे प्रेम की। लेकिन जब आप इनकी जिंदगी को करीब से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये कोई प्रेमी नहीं बल्कि अय्याश शासक था। दोस्तों, आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि मुमताज महल की मौत शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देने के बाद हुई थी। दरअसल शाहजहां मुमताज की खूबसूरती का कायल था, इसीलिए शाहजहां ने मुमताज के अलावा अपनी किसी और पत्नी से बच्चे पैदा नहीं किए। लगातार बच्चों को जन्म देने की वजह से मुमताज को कई सारी बीमारियां हो गई, जिसके चलते इनकी मौत हो गई। मुमताज के मौत के बाद शाहजहां ने 8 शादियां और की। इसके अलावा इनके महल में ऐसी कई सारी औरतें भी थी जिनके साथ ये शारीरिक संबंध बनाते थे। तीसरे नंबर पे आते हैं हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान। दोस्तों, अपने समय में इनकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में होती थी। कहा जाता था कि इनके पास जितना सोना है उतना सोना दुनिया में किसी व्यक्ति के पास नहीं है। इनके अमीरी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये 185 कैरेट के हीरे का इस्तेमाल अपने टेबल पे पेपर वेट के तौर पे करते थे। इस हीरे का साइज शुतुरमुर्ग के अंडे के बराबर था और ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा डायमंड था। वैसे तो निजाम के कई सारे खिस्से मशहूर हैं, लेकिन सबसे मशहूर तो ये है कि इन्होंने केवल 22 साल की उम्र में शादी की और मेहर के तौर पे अपने बीबी को 128 किलो सोना दिया था। जी हाँ दोस्तों, 128 किलो। इन्होंने कितनी शादियां की ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कहा जाता है कि इनकी 3 दर्जन से भी ज्यादा औलादे थी। इनके पास 14,000 से भी ज्यादा कर्मचारी थे। केवल इनके महल को साफ करने के लिए 38 लोगों का स्टाफ था। कहा जाता है कि इनकी अंतिम यात्रा में 10 लाख से भी ज्यादा लोग शामिल हुए थे। चौथे नंबर पे आती है जयपुर की महारानी गायत्री देवी। जयपुर की महारानी कही जाने वाली गायत्री देवी का जन्म 30 मई 1919 को हुआ था। इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी जिंदगी शानदार महल में बीती और इनके महल में तकरीबन 500 से भी ज्यादा नौकर काम किया करते थे। इसके साथ साथ इन्हें गाड़ियों और शिकार का भी बहुत शौक था। गायत्री देवी के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब इन्होंने पहली बार शिकार किया तो इनकी उम्र केवल 12 साल थी और केवल 12 साल की उम्र में इन्होंने एक चीते का शिकार किया। ये एक बेहतरीन शिकारी होने के साथ साथ अच्छी घोड़सवार भी थी। भारत में पहली बार मर्सिडीज W126 लाने का श्रेय इन्हीं के नाम है। गाड़ियों के साथ साथ इनके पास एक एयरक्राफ्ट भी था। साल 1940 में इनकी शादी सवाई मानसिंह से हुई, जिसके बाद ये जयपुर की तीसरी महारानी बन गई। लेकिन कुछ ही वक्त के बाद इनके पति और बेटी का देहांत हो गया। अब बात करते हैं जूनागढ़ के नवाब सर मोहम्मद रसूल खान की। ऐसा कहा जाता है कि इनके पास 800 कुत्ते थे। इन सभी कुत्तों के लिए अलग अलग 800 कमरे बनाए गए थे और हर एक कुत्ते के साथ पर्सनल नौकर भी थे। जब ये कुत्ते बीमार पड़ते थे तो इन्हें ब्रिटिश हॉस्पिटल में ले जाया जाता था। जब इनमें से कोई कुत्ता मर जाता था तो एक दिन के लिए शोक रखा जाता था। आपको बता दें कि ये अपने कुत्तों की शादियां भी बड़े धूमधाम से करते थे। अब हम आपको बताते हैं महाराज किशन सिंह के बारे में। जूनागढ़ के नवाब के जैसे ही महाराज किशन सिंह भी अपने अजीबोगरीब शौक के लिए जाने जाते थे। इनकी एक दो नहीं बल्कि 40 रानियां थी। अगर आप इनके शाही शौकों के बारे में सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इतिहास में किशन सिंह के कई सारे राजों को खोला गया है। किशन सिंह को तैराकी का बहुत शौक था। इन्होंने अपने शौक को पूरा करने के लिए एक गुलाबी संगमरमर वाली झील भी बनाई थी, जिसमें उतरने के लिए चंदन की लकड़ियों की सीढ़ियां बनी हुई थी। राजा के स्वागत में नग्न महिलाएं स्विमिंग पूल में खड़ी रहती थीं। इतना ही नहीं बल्कि सभी महिलाएं अपने हाथ में मोमबत्तियां लेके नाचती थीं और जिसकी मोमबत्ती सबसे देर तक जलती थी, महाराज उसी के साथ रात बिताते थे।